कि अरे छुआ ना जवानिया के बकसा, मार के बिगाड़ देब ना कसा। अरे छुआ ना जवानिया के बकसा, मार के बिगाड़ देब ना कसा। सारा दिन के बहकल हजू आदत छोड़ा देब तो हम क्या बोलते हैं कि करिया चोली करिया चोली गलिया गोर, रंगे दे सुगिया चारूर। करिया चोली गलिया गोर, रंगे दे सुगिया चारूर। दर्शक भी नमस्कार, हम बानी राधे श्याम पटेल, रोवा लोग देख रहा बानी घंटा का टीवी। अभी हमनी के बानी सन रक्सौल के पास के शहर सीमावर्ती बाजार बीरगंज के प्रसिद्ध पोखरा घड़ियरवा पोखरा में। हमनी के पास में बानी भोजपुरी के अभी के उभरता सिंगर विशाल यादव, घर यहाँ के 12 के सदर मुकाम कलैया में। अभी हमनी के बीरगंज के घड़ियरवा में बानीसन आ कुछ यहाँ से बातचीत करे आयल बानीसन। हम अपने से पूछे के चाह रहा मानी कि जब सोमया जी के साथ में रुआ, वीडियो भी अपने के गीत संगीत भी आवे, मतलब आवे लागल गाना सब, कैसा लाग रहा? बहुत अच्छा लागल। और नेपाल में हमारा फर्स्ट टाइम शूटिंग होल, अभी होली ये गाना सोमया पोखरेल भाभी जी के साथ। तो अपने भाभी जी वहाँ का एक भाभी जी से कही ना कि वहाँ के जो हस्बैंड बानी चंदन भैया, हमने के बड़ भाई बानी, तो वह नाता से भाभी भैली। अच्छा चलिए, सोमिया अभी कितना व्यस्त बाड़ी? भाभी तो बहुत व्यस्त है अभी, और व्यस्त है कहने का मतलब है कि एक अभी वायरल तो है ही, लेकिन वो एक शादीशुदा भी हैं, तो उनका भी तो घर परिवार है जी। तो अपने घर परिवार के साथ हमरा बहुत अच्छा लगेगा कि अपना घर परिवार के लेके चले लिए, और अपना मैंने सब चीज़ सब दुनिया में सब चीज़ लेके चले वाला इंसान ही जीवन में आगे बढ़ रहा, और हमरा बहुत अच्छा लगेगा। कहे के मतलब कि एगो चैलेंजिंग वहाँ के लाइफ बा, दिन में सवेरे उठे से पहले रात तक ले सूते से बीच में जी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बा, जमाना के चलते वहाँ के टाइम मैनेज करे में अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई बा। यही में अपने के हमने के बॉर्डर साइड के तो रिपोर्टर लोग आइए इंटरव्यू लेवे, पटना से दिल्ली से बहुत जगह से, अपने के रामगढ़वा मुजफ्फरपुर से भी लोग गोरखपुर से आ रहा बा, क्या कहे? जितना भी लोग आवा था लोग के बात सुन के बहुत अच्छा लगा था कि एक सपोर्टिव बा, और ऑलवेज सपोर्ट कैले बा लोग भोजपुरी भाषा के, सबको सपोर्ट करेला। और बहुत अच्छा लगा था कि हमने के नेपाल में भी बानी से फिर भी उतना दूर से आके वो लोग अपन सपोर्ट देता लोग बहुत। कुछ साथी लोग अपने के यूट्यूबर लोग पत्रकार लोग कह रहा बानी कि सोमया जी टाइम देवे में थोड़ा अब मतलब दिक्कत कर रहा बानी, जमना के चलते वहाँ के टाइम मैनेज नहीं कर सकत, का सजेशन देवे के चाहे? नहीं खे वैसा कोनो बात नहीं है, कहे के मतलब बात था कि वो भी इंसान न बड़ी, और इंसान के बावजूद भी वो एक लेडीज बड़ी मैंने लड़की है, और वो भी शादीशुदा, तो उनके लाइफ में भी कहीं ना कहीं मतलब क्या होता है कि परमिशन, और भैया तो कभी रोकते नहीं हैं, लेकिन जीवन में कई तरह के अभी बहुत सारा काम भी बाटे, और आई थिंक वहाँ के एगो दुकान भी बना था अभी उनकर, अपन दुकान भी खुल गया, अपन कपड़ा दुकान खुला था उनकर मार्केट, तो अब वो दो आदमी बालो तो अपन उसमें भी व्यस्त बालो, तो कहीं ना कहीं जीवन भी देख के चले के बा। अच्छा एक और बात बताइए कि अभी यूट्यूब पर सोमया पोखरेल के फोटो थंबनेल पर लगा दी, आ कौनो चीज़ अकड़म बकड़म चला दी, आ टाइटल कुछ बना दी, एक किस्म के ट्रेंड देखल जाता जी। कुछ चैनल लोग बा, अब नाम तो हमने के ना धर्म सुन भाई, अगर चैनल वही वीडियो देख रहा बन तो कृपया द्वारा थोड़ा गौर से देखल जाए। कुछ चैनल लोग बा सोमया पोखरेल के फोटो, खेसारी लाल के फोटो, आ बीच में एगो बड़का एगो 50-60 लाख के कार के फोटो डाल के खेसारी लाल ने सोमया पोखरेल को दिए 50 लाख के गाड़ी। सोमया पोखरेल पहुँची मुंबई, अक्षरा सिंह को कहता रही सोमया पोखरेल के तोरा के हम भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री में ना आवे दें, पवन सिंह को कहता रहन जे उ हई हई हौ हुई, ऐसन के ऐसा अश्लील मतलब थंबनेल लगा के भी वीडियो लोग बना रहा बा चला रहा बा। कुछ म्यूजिक कंपनी वाला जोन कुछ अपने के यूट्यूब चैनल बा उ कुछो गाना गवा देता लोग कोनो सिंगर से, आ ओकर टिकटॉक के वीडियो चुरा के उमे डाल देता लोग, का कहे के चाहे? सबसे पहले का बात बाकी देखी थंबनेल लगा लेला से थंबनेल दाब के तो केहू देख ली डबल वीडियो, लेकिन ओकरा बाद फिर वो चैनल पर केहू दोबारा ना आई, कैसे कि जोन चीज देखे गए ओकरा मिलबे ना कैलक जी। हम किसी होटल में गए मतलब हमको मीट चावल खाना है, वहाँ पे मीट मिला ही नहीं, तो एक बार ना आपका मीट का दुकान देख के आ जाएगा लोग बोर्ड देख के, फिर दोबारा थोड़ी जाएगा,
मिलना भी तो चाहिए जो चीज खोज रहे हैं। आ वो वीडियो अपने के जमा एक मिनट दो मिनट तीन मिनट के उतने बस। और दूसरा बात हम क्या बोलेंगे कि अगर सोमिया भाभी को कार मिलेगा तो आप लोग को दिखेगा नहीं, वो तो खुद आके बताएंगी। अगर मुंबई जा रही हैं तो भी आप लोग को पता लगेगा। अगर घर खेसारी भैया दे दी हो तो वो तो पता लग जाए ना। जी जी, तो वो सब छुपने वाली बात नहीं है। तो प्लीज आप सब लोग कहे का मतलब जितना बात आयल फ्लैट दे दलन पटना में दिल्ली में मुंबई में कार दे दलन 50 लाख रुपया दे दलन ये सारा झूठ बात है विशाल जी। हाँ अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है, अगर होगा तो जरूर पता लगेगा, आप सबको पता लग जाएगा कि ये इसे हुआ है। अच्छा एक और बात बताइए, इतना चर्चा में अयला के बाद में सोमिया जी के कुछ इनकम के स्रोत भइल बा कि ना, कुछ वहाँ के आमदनी भइल बा कि ना, कुछ पैसा वहाँ के कमाए के चाहे वैसन का कुछ अभी तक हासिल भइल बा कि ना? उतना तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर बताएंगे कि भाभी उनका जो भी दुकान से पैसा आता है चाहे कुछ भी आता है बहुत सपोर्टिव इंसान है। वो अनाथ आश्रम में जाके हमेशा अनाथ बच्चों को खाना खिलाती रहती हैं, बहुत हेल्पफुल बहुत है वो बहुत। हाँ कहीं से आमदनी का स्रोत हो या ना हो लेकिन बहुत मेहनती हैं। हाँ बहुत उनका एक सोच देखते हैं पॉजिटिव, बहुत अच्छा लगता है हमें। अच्छा एक और बात बताएं, उनका से बहुत ज़्यादा ईगो करके कुछ टिकटॉक स्टार लोग यहाँ चाहे यहाँ के जो वीरगंज के नेपाल के कलाकार लोग एगो दुश्मनी पाल रहा बा सब कलाकार लोग के रुआ का सजेस्ट करे चाहे? देखें केहू के किसी कोई इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके प्रति किसी को भी गलत सोचना उचित नहीं है। केहू खतरा काहे गलत सोची केहू है। और दूसरा बात की दुश्मनी पाल बात देखें कहे का मतलब बात बाकी केहू के नसीब होला कि वो जीवन भर कर अंदर वो कुछ ना मिले आ क्योंकि 5 मिनट में इतना मिल जाए कि ओकर हद ना रहला हिसाब ना होला। तब अच्छा एक और बात बताइए, कहीं ना कहीं खुशी लाएगा के चाहे कि आखिर मिला तो अपने देश के नू अपने घर के नू इंसान के मिलल बा कुछ को, वही बात है। और भाई वो फैन है खेसारी भैया की, दिल से मानती है तो उसमें गलत क्या है? सही बात। एक और बात बताइए, अपने सोमिया जी के घर गई बानी कि ना डेरा में जो वीरगंज में रहे नहीं नाम नहीं गल कभी भाभी जी? अच्छा वहाँ के डेरा में रह के यहाँ वीरगंज में व्यवसाय अब स्टार्ट कर रहे देनी जी जी, परसा जिला के मनवा गांव से वहाँ के बिलोंग करेनी जी जी, वहाँ के हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव बानी बहुत बहुत। तो वहाँ के जमीनी धरातल जमीनी हकीकत कहाँ बा आ सोशल मीडिया में सब कुछ वायरल होते मातर चर्चित ट्रेंडिंग होते मातर बहुत कुछ ना मिलेला ऐसा का भी बात आदमी के ना भूले के चाहिए। और दूसरा बात कि अगर स्टार्डम आपको मिलता है तो क्या करना चाहिए? स्टार्डम मिले तो उसको संभाल के रखिए, हम यही बोलेंगे। और हमें जहाँ तक लगता है कि सोमिया भाभी में कोनो घमंड नहीं किया अभी तक ले, रुआ भी बात कैले हो गए मैनेज करके अगड़ी बढ़ रहा बानी सबके उसके समय दे रहा बानी। देखिए अब क्या है कि हम किसी के दीवाने हैं, वो इंसान मेरे सामने डायरेक्ट आ जाएगा तो हम तो पागल ही हो जाएंगे भाई। और उसमें भी वो इंसान हमको फिल्म ऑफर कर दे तब तो हो गया, मैंने अब खुशी से जानवे ना निकल जाए। एक और बात हम कह के चाहें, अपने के हिमेश रेशमिया बॉलीवुड के चर्चित अपने के गायक अभिनेता कहें म्यूजिशियन कहें, रानू मंडल के रोड पर से उठा के एगो भीख मांगे वाली लेडीज़ के ले जाके अपने के गाना गवा देनी आ ओकरा बाद रानू मंडल अभी कहाँ बड़ी कोनो ठेकान नहीं है बिहान सोमिया पोखरेल के हाल उतना न हुए। अब ये तो समय है और जहाँ तक मुझे नहीं लगता है, देखिए कोई भी इंसान आपको काम दे सकता है लेकिन परफॉर्मेंस आपको खुद करना पड़ेगा जी, ठीक है वो में वो माहिर बाड़ी। अब मान लीजिए कि ये जरूरी नहीं है कि अब सचिन तेंदुलकर अगर उतने बड़े क्रिकेटर है क्रिकेट का भगवान है तो उनका बेटा भी उन जैसा हो जाए कोई मतलब वैसा ज़रूरी नहीं है। अब मौका मिला है भगवान करे कि वो खूब आगे बढ़े खूब तरक्की करे। और कहे का मतलब कि वहाँ का अपॉर्चुनिटी मिलल बा वहाँ प्रूव करके दिखाएं अपने आप के हाँ कि हु इज सोमिया पोखरेल फ्रॉम नेपाल। हाँ हाँ और बिग फैन ऑफ खेसारी लाल। और मैं जब सोमिया भाभी के साथ काम किया तो मुझे लगा वो बहुत मेहनती हैं बहुत मेहनत करती हैं, मैं जो बता रहा था वो एकदम कमेंट में कुछ ऐसा कमेंट आ रहा बा कि आप बहुत अच्छी कलाकार है आप लोग का फिल्म खेसारी भैया और सोमिया पोखरेल का फिल्म जल्दी आए कह के भी लोग कमेंट कर रहा है। लोग पहले जो भी कुछ बोल रहे थे लेकिन अभी बहुत पॉजिटिव लोग हैं, ठीक है लोगों का सोच अभी बहुत पॉजिटिव हो गया है। तो कहने का मतलब कि बिहान अगर फिल्म बनता है चाहे एल्बम बनता है खेसारी के साथ में सोमिया का तो गाना और फिल्म बहुत हिट होने वाली जबरदस्त होने वाली, भगवान करे हो। हम तो यही चाहेंगे क्योंकि कोई भी अगर अपना आगे बढ़ रहा है तो हम लोग को खुशी होना चाहिए, सब लोग पॉजिटिव रहें और सब कोई साथ दी, ठीक बा चाहे हम हो कि चाहे रहुआ हो, अगर रहुआ लोग आगे बढ़े तो हम ही के साथ दें, हमने आगे बढ़े तो रहुआ लोग साथ दी
सबके मिल के हाँ केहू सबका साथ सबका विकास हाँ केहू के देखे केहू के जरे के नहीं खे हमनी सब एक बानी ठीक बा हमनी सब एक ताल के मछरी बानी सर ठीक बा अगर हमनी अपने में करम से तो दूसरे कोई थाल आल बजा के खत्म तब भैया एकदम चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी अपने हमने यहाँ के सोम्या जी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ल हकीकत के बारे में अब बीरगंज में का चल रहा बा वहाँ के अवस्था का बा बहुत आदमी अभी देख रहा बानी वहाँ के गेटअप पर मत जाए वहाँ के बहुत ही एगो सिंपल फैमिली से बिलोंग करें सोम्या पोखरे आ वहाँ के हस्बैंड जितना कोऑपरेटिव बानी अगर दोसर हस्बैंड रहे तो शायद ऐसा हालात में अभी वहाँ के साथ ना दे पाए लेकिन चंदन जी दोनों आदमी हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छा कपल वालों बहुत ही अच्छा जोड़ी वालों आगे बढ़ो लोग सबके प्यार दी दुआ दी आ वीडियो के भी शेयर करें थोड़ा लाइक कमेंट करें अपन प्रतिक्रिया आ विशाल बाबू के भी थोड़ा विशाल यादव ऑफिशियल यूट्यूब पर चैनल बा इनका के भी सपोर्ट करे के बा इनका के भी आगे हमनी के लेके चले के बा बहुत बहुत धन्यवाद अपने के हमनी के साथ ही वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद हमारा तरफ से भी और जितना भी देखा तनी आप सबके फिर से हम विशाल यादव की तरफ से गुड़ छुए गुड़ लागत तनी और घंटाघर टी वी के वो लोग ढेर सारा सब्सक्राइब करी लाइक करी कमेंट करी कि कैसा लागल खा।